जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन चार महीनों में कौन सी वो भाग्यशाली राशियां हैं जिनको संतान सुख के बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं और बहुत अधिक चांसेस भी है कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही दोस्तों हम आपको उपाय बताने वाले हैं जिससे कि आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति हो। दोस्तों ये जो हम आपको राशिफल बताने जा रहे हैं चंद्र की राशि पर आधारित है, तो आप अपने चंद्र की राशि से ही अपना राशिफल अवश्य देखें। अगर पति पत्नी दोनों की राशि में योग आ रहा है तो निश्चित ही आपको संतान सुख के प्रबल योग बनेंगे, और अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो सम दिन के साथ सम तिथि का प्रयोग अवश्य करें, और साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन अवश्य करें और गणेश जी को लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों उन भाग्यशाली राशियों की जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों 2022 में देखिए जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बहुत ही सर्वार सिद्ध योग बनने जा रहा है। ग्रहों का गोचर बहुत ही दुर्लभ योग बना रहा है। दोस्तों ये जो हम आपको राशिफल बताते हैं, देखिए ग्रहों का गोचर के कारण जो योग बनता है उसकी हम जानकारी देते हैं। दोस्तों हर एक कुंडली में देखिए ग्रहों का प्रभाव अलग अलग रहता है, इसीलिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण भी अवश्य कराना चाहिए। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। दोस्तों इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ग्रहों का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। पिता सुख के बहुत अच्छे योग बने, धन लाभ के भी योग बन रहे, भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। ये चार महीने आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए देखिए पूरे साल उत्तम संतान सुख का योग बना हुआ है। आपको समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, और इस राशि की जो जातक महिलाएं हैं जिनकी डिलीवरी इन चार महीनों में होने वाली है तो उनको बहुत अधिक चांसेस भी हैं कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए देखिए पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, पति पत्नी में संबंध अच्छे रहेंगे और साथ ही कोई गुड न्यूज़ भी आपको प्राप्त हो सकती है। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही प्रबल संतान सुख के साथ साथ पद प्राप्ति का योग बना हुआ है। अगली जो भाग्यशाली राशि है धनु राशि और मीन राशि। दोस्तों ये छः भाग्यशाली राशियाँ ऐसी हैं जिनको इन चार महीनों में बहुत ही प्रबल संतान सुख के योग बने हुए हैं। साथ ही देखिए देवगुरु बृहस्पति के कारण संतान सुख प्राप्त होता है, और गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति यानी केले की पूजा अवश्य करें, केले के नीचे एक दीपक अवश्य जलाएं। दोस्तों ये जो जानकारी हमने दी है, देखिए जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के महीने में कौन सी राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख के योग बन रहे हैं। अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।